नगर निगम करनाल की आम बैठक का आयोजन विकास सदन करनाल में किया गया, जिसकी अध्यक्षता करनाल मेयर रेणुबाला गुप्ता ने की। इसके अलावा मीटिंग में सभी पार्षदों द्वारा अपने वार्ड से संबंधित समस्याएं भी रखी गई। मीटिंग में 7 प्रस्ताव रखे गए, जिन पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान ज्यादातर पार्षद नाराज नजर आए। हाउस मीटिंग में पार्षदों का जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि नगर निगम के अधिकारी उनकी बातों को तवज्जो नहीं देते और वार्ड के काम अधूरे लटके हुए हैं। वहीं करनाल मेयर रेणुबाला गुप्ता ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि निगम की आम बैठक में जो भी मुद्दे आए हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर लिया गया है एवं नगर निगम का प्रयास रहता है कि शहर को साफ सुथरा एवं सुंदर बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाए। देखने वाली बात यह रही कि यह मीटिंग सुबह 11 बजे प्रारंभ हुई और शाम तक चलती रही, जिसमें सभी पार्षदों द्वारा अपने वार्ड की समस्याएं बारीकी से रखी गई, जिनका नगर निगम के अधिकारियों द्वारा निदान करने के लिए संबंधित जेई व अन्य अधिकारियों को आदेश दिए गए। इस अवसर पर नगर निगम के उच्च अधिकारी मौजूद रहे। देखिए नगर निगम की मीटिंग की अभी अगर पार्षद किसी भी काम में इन्वॉल्व नहीं हो रहा तो ये अधिकारी और ठेकेदार मिलके अपनी मन मर्जी कर रहे हैं। हमारी सुनवाई नहीं हो रही। जब हम एनओसी देंगे, हम काम से संतुष्ट होंगे तो ही उसका काम, वो क्या नाम है, बिलिंग बिल रिलीज होंगे, तब तो ये सारे सेट है। क्यों, उनको पता है इनके बगैर नहीं होना। उसको पता है अगर इन्होंने गलत लिख के दे दिया, इनकी नाम बिल होगी, इंक्वायरी भी होगी, विजिलेंस जांच भी होगी। जब तो इन्वेंटर बैठेगा तो ये काम करेगा, सर्च नहीं करेंगे। कमेटी ने इसको जो ये ठेकेदार कुछ कर नहीं रहा, ठेकेदार से पाइप तक नहीं उठा पाए। हमें ठेकेदार की शक्ल नहीं देखी। पब्लिक पूछ रहे ठेकेदार कौन गली का, हमें पता ही नहीं। उसमें नहीं जाएगा तो इसलिए सीवरेज सुपर चेकर मशीन मंगाना बहुत जरूरी है और वो एक पास की जाती है हाउस की तरफ से। और आपकी कॉलोनियों की बात चल रही थी, अब आप एक मिनट बहन जी, आप एक मिनट, हम 20,000 लोगों को जवाब देते हैं सुबह से शाम तक। राजा आज ही आपने सुबह दोनों के व्हाट्सएप पे मेरा फोटो भेज दी, देखा क्या हाल हो रहा है। 20,000 लोगों को जवाब देना पड़ता है। आज ही फोटो भेज दिया चीफ साहब आपके पास भी, डीएमसी साहब भी, पिछले 15 दिन हमारी कोई मरजेगा कोई भी, उसके बाद हम आप लोग हमारी 4-5 महीने अगर हम बताने भी लगते हैं उसमें भी सबको तकलीफ होती है। ये देखो कि हम 4-5 महीने के अंदर कितनी कितनी कंप्लेंट है सुनते, लोगों की बात सुनते हैं, लोग गालियां देते हैं। लक्ष्य जी बैठे हैं, हिमेश जी साहब आज नगर निगम की साधारण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी पार्षदों ने एक सकारात्मक सोच के साथ शहर के विकास के लिए चर्चा की। जिस तरह से शहर विकास की गति पर आगे बढ़ रहा है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट इस बात में दिशा निर्देश दिए हैं। सभी पार्षदों से भी उनकी मीटिंग हुई थी तो उन्होंने बताया था कि भाई अपने सदन में सभी बातों को अच्छे से एक सकारात्मक सोच के साथ यदि आप रखेंगे तो अधिकारियों को भी ये दिशा निर्देश दिए गए थे कि आप इन सभी कार्यों को करवाएंगे। आज हमारे कमिश्नर साहब किसी कारण से छुट्टी पर हैं, बट हमारे डीएमसी साहब और हमारे बाकी अधिकारियों ने इस बात के लिए हर पार्षद की बात को बड़े ध्यान से सुना है, हर मामले को संज्ञान में लेते हुए जो भी उन्होंने चाहा है उनके हिसाब से आप काम करने का निर्णय किया है। और इसमें आज हमने जनरल तौर पे 7 एजेंडे रखे थे, जिसमें 2 को पेंडिंग रखा गया है, बाकी को प्रस्तावित किया गया है। आगे आने वाली मीटिंग में, आगे आने वाली चर्चाओं में जो शहर की सफाई की व्यवस्था, मुख्य रूप से सीवरेज की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था है, इनको बेहतर बनाने के लिए सभी अधिकारियों ने जिस तरह से सहयोग किया है, मैं सदन को इस बात के लिए बधाई देती हूँ कि आपने एक सकारात्मक सोच के साथ सभी पार्षदों ने अपनी बात को रखा है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो सपना हम शहर की अच्छी व्यवस्थाओं के लिए सोच रहे हैं वो पूरा होगा। मैम, घोटाले को लेकर एक कमेटी भी बनाई गई है, उसमें क्या है? आप कुछ पार्षदों ने बात उठाई है कि इस तरह के मामले सामने में आए हैं,
पर अभी तक इसमें कोई भी बात प्रूव नहीं हो पाई है। तो हमारे चीफ साहब, हमारे डीएमसी साहब, हम उनकी अध्यक्षता में पार्षदों के साथ मिलकर एक कमेटी बनाई है, जो भी रिपोर्ट होगी आपको बता दी जाएगी। मैडम, आप कह रहे हैं शहर को स्मार्ट बनाएंगे, लेकिन पार्षद ही आपके जो है यहाँ पर मीटिंग में हंगामा कर रहे हैं कि अधिकारी हमारी बात नहीं सुनते, हमारा काम ही नहीं हो रहा है। ऐसा देखो, परिवार होता है ये नगर निगम में, अधिकारियों और पार्षदों का एक परिवार है, दोनों एक दूसरे की बात सुनते भी हैं, मानते भी हैं, तभी तो वो आप 5 घंटे से एक साथ बैठे हुए हैं। यदि नहीं सुनते तो अधिकारी भी चले गए होते, अब तक पार्षद भी चले गए होते। पार्षदों की एक ही मांग रहेगी, इसी चीज को लेके रही है, चाहे वो कुत्तों वाला मामला रहा, चाहे बंदरों वाला रहा, और हर पार्षद की यही मांग है। हर पार्षद चाहता है कि उसके वार्ड में अच्छी सफाई व्यवस्था हो, अच्छी सीवरेज व्यवस्था हो, अच्छी सड़कों की व्यवस्था हो, और हर तरह से उसका वार्ड हर तरह से स्मार्ट हो। तो उसे व्यवस्था बनाने के लिए हमने प्रयास किया है कि आज पूरे नगर निगम के अधिकारी HSVP से भी आए हैं, हमारे पब्लिक हेल्थ से भी आए हैं, सभी कर्मचारियों ने मिलकर एक निर्णय लिया है कि जो सपना आप अपने शहर के लिए देख रहे हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो अपने चुनाव के मैनिफेस्टो के दौरान कहा था कि करनाल को एक अच्छी व्यवस्था और विशेष तौर पर सुशासन देना चाहते हैं, वो हम दे दें। बड़ा आरोप नहीं लगाया उन्होंने, अपनी बातें रखी है, और मुझे लगता है ये सारे आरोप जब सिद्ध हो जाएंगे तो उसमें जो जांच कमेटी, बिल्कुल इसमें एक जांच कमेटी बनाई है जो अधिकारियों और पार्षदों के साथ मिलकर बनाई है, और उसमें सारे जो भी वो बात रखना चाहते हैं उनमें जब जांच की रिपोर्ट आएगी आपको बता दें। कई पार्षदों की समस्या आई है, वो अनअप्रूव्ड कॉलोनीज को लेकर आई है, जिनमें अभी तक हमारे हाथ बंधे हुए हैं कि हम उन कॉलोनीज में काम नहीं करवा पाएंगे, पर फिर भी ये एक आश्वासन मैं उनको देना चाहूँगी, क्योंकि आज हमने एक मुद्दा डाला है जो कि अनअप्रूव्ड कॉलोनीज हैं, जो अनअप्रूव्ड एरियाज हैं, उनका सर्वे हम माननीय मुख्यमंत्री जी से कहकर हम पर्सनल तौर पे करवाएंगे, ताकि उन एरियो में भी हम काम कर सकें। पार्षदों ने आरोप लगाया कि नगर निगम भ्रष्टाचार का। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।